अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुवैत से कुछ लेटेस्ट अपडेट है, देख लेते हैं आज के इस वीडियो में। कुवैत के अंदर दोस्तों इलीगल प्रवासी के लिए अभी भी पुलिस का कैंपेन चालू है। पिछले दिन बता दें कि कुवैत से 289 फिलिपिनोस को डिपोर्टेड किया गया है। कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से बताया गया है कि 289 में इसमें ज्यादातर ऐसे थे जो कि रेजिडेंसी वायलेटेड है, यानी कि उनका एकामा काफी पहले खत्म हो गया था, जिनके बाद भी वो कुवैत के अंदर। कुछ फिलिपिनी ऐसे हैं जो शॉपिंग मॉल में या फिर यहाँ पर सैलून वगैरह में काम करते थे, जिनके बाद छापामारी करने के बाद उन सभी को डिपोर्ट कर दिया गया है। कुवैत से अगली अपडेट दोस्तों बता दें कि कुवैत के अंदर जितने भी प्रवासी हैं, एक्सपैट्स, रेमिटेंस, यहाँ पे प्रवासी लोग जो पैसे भेजते थे, कोविड-19 के कारण जो उनका इकोनॉमिक है काफी लो चला गया था, लेकिन अभी इकोनॉमिक सिस्टम है वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, क्योंकि कुवैत के अंदर अभी एंट्री और विजिटर का सभी कुछ ओपन हो गया है, जिनके कारण जो कुवैत का हालात है यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम है वो दोबारा से रिकवर हो रहा है। दोस्तों कुवैत से सभी अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।